दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी पूरा दमखम दिखा रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए हम जानते हैं जनता का मूड क्या है विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रामकिशोर मीणा। रामकिशोर जी, क्या मूड है आपका? मेरा मूड भाजपा को दिया। क्यों? कैंडिडेट दमदार है, जिन मुखियों की सहायता आगे रहता है, विकास की कार्य भी करवाते हैं, मजबूत कैंडिडेट है और भाजपा के पक्ष। पहले तो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन देकर विजयी बनाया था, तो अब की बार जनता भाजपा को क्यों देना चाह रही है समर्थन? ये जो कैंडिडेट का फर्क पड़ता है, कैंडिडेट है ये अनुभवी है और कैबिनेट मंत्री है भाई, तो ये ज़्यादा विकास के कार्य कर, देना चाहते हैं। रामकिशोर जी का मूड है कि वो भाजपा को अपना मत देना चाहते हैं। आइए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपका मूड क्या है। मेरा नाम छाजराम सैनी है। हम कांग्रेस का कैंडिडेट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का निजी है, दौसा क्षेत्र का है, ये बाहर का है बीजेपी का, इसको कहाँ रहेगी साहब? हम बार बार, ये तो निजी दौसा का है और मुरली जी ने बढ़िया काम किया था, कई बार दो बार बढ़िया बढ़िया काम किया है। बीजेपी की कभी आ भी नहीं देखा, करोड़ी होगा तो उसका भाई होगा, वो न्याय थोड़ी आएगा। अरे ये तो डीसी तो न्याय रहेगा, ये है हमारे साथ मोड। हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। आप कांग्रेस को वोट इसलिए देना चाह रहे हैं कि वो स्थानीय उम्मीदवार है? यहाँ क्या है, 223 क्षेत्र से है, ये तो बाहर क्या है साहब, इसको बाहर को कहाँ हेरेंगे हम, कब जाएंगे? जैसे वो जसकोर आई थी, जसकोर भाग गई, उसको कभी दर्शन ही नहीं किया और वोट दिया उसको, तो वैसे ऐसा भी है। तुम यहाँ के हैं स्थानीय दौसा के, हमारे दो बार प्रधान रह चुके हैं, तो हम तो साहब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस के चाहते हैं हम। खैर, सबका अलग अलग अपना अपना मत होता है, लेकिन हम और भी लोग हैं यहाँ आस पास दुकानों पर, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जनता का मूड क्या है। क्या आपकी बार विधानसभा उपचुनाव है तो आप सब जनता का मूड क्या है? जनता तो सर वैसे तो अपने मन के हिसाब से काम करती है, लेकिन ज़्यादातर मूड अब की बार कांग्रेस का रहेगा। अब की बार कांग्रेस में पब्लिक का रुझान कांग्रेस में, कांग्रेस का ही ज़्यादा रुझान रहेगा। क्या कारण है ऐसे कि आप कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं? सर कारण तो यही है, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, सचिन पायलट साहब के साथ है, उसकी वजह से हम कांग्रेस देते रहे। और भी लोगों से मिलने की या पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम से, क्या मूड है जनता का। और भी एक दुकानदार हैं भाई, खरीदी हो गए दीपावली से, अब दीपावली की खरीदारी भी लोग कर चुके हैं, अब जनता का क्या रुझान है? रुझान क्या है जनता का? रुझान यही है जातीय समीकरण के माध्यम से यहाँ कांग्रेस। क्या वजह क्या है, कारण क्या है? वजह यही है कि मतलब जनरल की सीट में बीजेपी का कैंडिडेट उतरना चाहिए, एसटी का कैंडिडेट उतार दिया, ये है वजह। जनरल के टोटल वोट कांग्रेस के लिए। हालांकि सबका अलग अलग अपना अपना मत है, कोई कह रहा है कि जनरल की सीट पे एसटी का कैंडिडेट उतार दिया इसलिए कांग्रेस में वोट देंगे, कोई कह रहा है कि भाजपा को वोट देंगे। आपका मूड क्या है विधानसभा उपचुनाव को लेकर? बढ़िया है, इसको वोट देना चाहिए। हम तो शुरू से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस के साथ ही रहोगे? दीपावली निकल गई लेकिन महिलाएं भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हुई है, महिलाओं से भी जानना चाहेंगे उनका मूड क्या है।
किसको किसको वोट देना चाहेंगे आप? कांग्रेस को जाना उम्मीद देता आ रहा था। वजह भी तो होंगी कुछ को जाना। क्या कांग्रेस को जाना तो कांग्रेस को आ जाओ भाई जी ले आओ। हालांकि ये सब लोगों का अपना अपना मत होता है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सभी लोग अति उत्साहित हैं। लेकिन कोई भाजपा को वोट करना चाह रहा है तो कोई कांग्रेस को करना चाह रहा है, कोई विकास के नाम पर वोट करना चाह रहा है तो कोई जाति के नाम पर वोट करना चाह रहा है। कैमरामैन के साथ जसवीर सिंह, राजस्थान चौक। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी।